आईपीएल में मैच फिक्सिंग के आरोप में 7 साल की सजा भुगत रहे क्रिकेटर एस श्रीसंत ने भाजपा में शामिल होने की बात कही है। श्रीसंत ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि वो कांग्रेस नेता शशि थरूर को हराने के लिए 2024 में भाजपा के टिकट पर तिरुवनंतपुरम सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के चलते 13 सितंबर 2013 को भारतीय बीसीसीआई की अनुशासनात्मक समिति ने श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पिछले ही महीने बीसीसीआई ने श्रीसंत पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर 7 साल कर दिया। उन पर से प्रतिबंध 2020 के अगस्त में खत्म हो जाएगा। एस श्रीसंत ने कहा कि मैं शशि थरूर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, वही एक व्यक्ति हैं जो मुझे समझते हैं और मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं उन्हें तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से चुनाव में हराऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को तेज गेंदबाज पर लगे आजीवन प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।